स्थानीय कस्साबान मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद अताए मुस्तफ़ा कमेटी द्वारा तिरंगा अभियान में शामिल होने के लिए शहरवासियों से अपील की गई। इस दौरान देवास शहर का जी मौलाना नोमान अहमद अशरफी एवं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अंसार अहमद हाथी वाले रहे। आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव शहर और प्रदेश देशवासी बड़े ही धूमधाम से मनाने जा रहे हैं। 1947 आज़ादी के बाद हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी द्वारा तारीख 13 से 15 तारीख तक घर घर तिरंगा अभियान का चलाने का जो अवसर देशवासियों को दिया है और हमें देशवासियों को खुशी बिखरने का अवसर दिया है, वाकई में बहुत ही सराहनीय काबिल तारीफ है। इसी तरह हमारे प्रदेश के मुखिया, हमारे देवास शहर की विधायक जी, हमारे देवास शहर के हिज हाइनेस विक्रम सिंह जी पंवार साहब द्वारा तिरंगा यात्रा भी निकाली जा रही है और जिस तरीके से हमारे पूर्वजों ने हमारे देश के लिए हमारे लिए जो बलिदान और त्याग दिया है, वाकई में ये बलिदान और त्याग नहीं देते तो आज हम लोग ना ईद मना पाते, ना दीपावली मना पाते, ना आज धरती पर रहते हैं। यकीनन हम घर घर तिरंगा अभियान हो या तिरंगा यात्रा हो, हम इसे त्योहारों के स्वरूप लें और हम पूर्वजों की जीवनी पढ़ें, इनको याद करें। मैं इनको आज नमन करता हूं और मैं देवास शहर प्रदेश और देशवासियों को 15 अगस्त की मुबारकबाद देता हूं, बधाई देता हूं और एक शहर कहना चाहूंगा, हे अमन की पहचान मेरे देश का झंडा, हे अमन की पहचान मेरे देश का झंडा, लहराए आसमान में भारत का तिरंगा। अंसार अहमद हाथी वाले, पूर्व सभापति नगर निगम देवास, जय हिंद जय भारत।